बिल्हौर प्रभारी निरीक्षक को सूत्रों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मकनपुर ईशन नदी पुल पर अपराध करने की नीयत से बैठा है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक करीब देर रात मकनपुर ईशन नदी पुल के पास पहुंचे। पुल पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। पुलिस की जीप देखकर पुल पर बैठा व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया। अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस ने आत्म सुरक्षा को देखते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल होकर गिर गया। पूछताछ के दौरान पता चला है कि अनुज कुमार पर पूर्व में 12 मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने CHC बिल्हौर में उपचार हेतु भेजा गया। PPA TV न्यूज से धर्मेंद्र कुमार यादव की। जनपद कानपुर नगर के थाना बिल्हौर में आज रात्रि समय लगभग 1:20 पर एक शातिर बदमाश अनुज कुमार पुत्र धर्मा आरओ विशुनगढ़ थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ये मुकदमे में वांछित था। दौरान ने गिरफ्तारी के प्रयास के इसने पुलिस पर जानलेवा फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया, जिससे इसके पांव में गोली लगी है। यह मुठभेड़ मकनपुर कस्बे के पास ईशन नदी के पुल पर हुई है। यह एक शातिर किस्म का बदमाश है, जिसके ऊपर 13 मुकदमे हैं। सबसे पहला मुकदमा 302-394 का वर्ष 2015 का है। इसके पास लूट के 4,000 रुपये, एक देसी तमंचा 315 बोर का, एक पोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसे गिरफ्तार करने वाले टीम का नेतृत्व वहां के थाना प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने किया है। उनके साथ उप निरीक्षक दीपक कुमार एवं 4 आरक्षी थे। इसे जेरे इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुकदमे में वांछित है, उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।